तो बताया नाम क्या? मेरा नाम है इमरान खान। इमरान खान, अरे जिंदाबाद यार। आज हम आपको लेकर आए हैं तारिक रोड के करीब, जहाँ के मशहूर हैं पराठे, लच्छेदार पराठे यहाँ के बहुत मशहूर हैं। अगर आप लोगों ने कभी खाए नहीं है तो ज़रूर ट्राई करिएगा। एड्रेस मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आपको पहुँचने में आसानी हो जाएगी। तो चल के देखते हैं ये पराठों में ऐसा क्या डालते हैं जो इतने फेमस हैं इनके पराठे, और दूर दूर से लोग यहाँ खाने के लिए आते हैं। आपको भी इनका आज राज बताएँगे हम। चल के देखते हैं किस तरह बना रहे हैं ये पराठे। आए हमारे साथ। ये जी शाहजी कोयटा आलमगीर होटल, बहादुराबाद चुरंगी से बिल्कुल करीब ही है। लोग नाश्ता करने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। देखें आप, रश देखें। ये बहादुराबाद चुरंगी इस तरफ से करीब ही है। ये यहाँ आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट भी है, तो इस वजह से इस एरिया का नाम भी आलमगीर कहलाता है। ये जी पेड़े बन रहे हैं, ये पराठे बनने की तैयारी हो रही है। चाय पराठे और ऑमलेट, कोल्ड ड्रिंक, हर चीज़ के रेट लिखे हैं इधर। वो चलिए क्या थे तो भाई, ये पराठे बनने की तैयारी चल रही है। चिकन पराठे का सामान रखा है, ये आलू के पराठे हैं, ये ऑमलेट। ये देखो, ये कोई स्पेशल आटा भी कोई अलग होता है ये? क्योंकि घर में तो ऐसे पराठे नहीं बनते। घर में अलग पराठा, इधर अलग बनता है यार। घर वाला पराठा देखो, और इधर वही पराठे को यार पठानों का पराठे का अलग है। मियार में एक सीट दार वार वार हर वार मजरूफ है भाई, वो इंटरव्यू दे रहा है। वो नहीं, इंटरव्यू नहीं दे रहा है, ये उसको नहीं चलता है। ये चिकन चीज है हमारा। अच्छा, ये चिकन चीज है? ये चिकन चीज है, स्पेशल वीआईपी। अच्छा, वीआईपी वीआईपी है। मेरा वैसे वैसे सादा पराठा कितने का है? सादा पराठा 60 रुपए का है। और वो चिकन वाला? चिकन वाला 300 रुपए का है। अच्छा, सब के घर है, सब 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 के घर है। लच्छेदार पराठे खिलाते नहीं है? ये एक तवे पे कितने आ जाते पराठे? ये तवे पे जैन आता है 50 भी आ जाता है, 60 भी आ जाता है। अच्छा, जो रमजान में सेहरी करने बहुत लोग यहाँ आ रहे थे ना? बहुत लोग आते हैं, माशाल्लाह बहुत। फरीदा शाह है, फरीदा और हमें सब क्या है, ठीक ठाक। ये देखें, ये कोई आसान काम नहीं है वैसे। ये इतने सारे पराठों को संभालना ट्रेन चलाने जैसा ही है ना, एक भी पराठा जलना भी नहीं चाहिए। पराठों की भी सांस फूल जाती होगी ना, इतना घूमते होंगे पर तवे के ऊपर। ये जी तारिक रोड के मशहूर लच्छेदार पराठे।
तो हम भी अभी यहाँ नाश्ता करेंगे, आपको दिखाएंगे कैसा लगे खा के हमें। कलर तो जबरदस्त आ रहा है, ये गोल्डन कलर आ गए हो गया ये। वो अंडा ऑमलेट बन रहा है उधर। ये स्टाइल चेक करें बटन पर, ये वाह वही वाह। हाँ टेबल थोड़ा टेब लगता है। अच्छा इसमें मेहनत हाँ बनाना। तो ये रात कम से कम रात में नाम तो बताया, नाम क्या? मेरा नाम है इमरान खान। इमरान खान और जिंदाबाद यार। खान मर्डर हुई थी दही की यार, हमारे शहर से खबर ही हुई यार, समझ स्पेशल हर चीज। इसमें कम से कम 3 घंटे 4 घंटे इसमें काम करना पड़ता है। अच्छा जी जी, रात पहला रहता है फिर सुबह स्टार्ट फिर इसके बाद। तो माशाल्लाह चिकन चीज भी बहुत स्पेशल है, शामी कबाब, पिज्जा चीज, छोला पराठा, हनी पराठा, माशाल्लाह बहुत अच्छे पराठा है, बहुत मशहूर है माशाल्लाह। रमजान इतना रश था बिल्कुल चीज नहीं रहता है माशाल्लाह, खुश करा था। और ये अंडा पिज्जा, तो इन्होंने अपना नाम नहीं बताया भाई, आपका क्या नाम है? मोहम्मद कामरान। मोहम्मद कामरान, कब से काम कर रहे हो यार? ये कोयटा के हो? हम कोयटा के। हाँ तो बहुत सर्दी होती है यार कोयटा में। माशाल्लाह सर्दी तो बहुत होती है वहाँ पे, ठंड बहुत होता है ना, बर्फबारी ज़्यादा होता है ना। तो यार ये आम आदमी नहीं कर सकता, ये बड़ा टेक्निकल काम है, ये पराठे बनाना भी है। हाँ जो आलमगीर होटल का, आलमगीर होटल का, यहाँ की बहुत तारीफ सुनी है हमने। भाई ये पराठे तैयार हो गए हैं, दिखा दे पराठा। पराठा लच्छेदार पराठे आलमगीर के। चाय भी दिखाते हैं, चाय कैसे बनती है इधर कोयटा होटल की। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद अहमद लवान। अच्छा चाय बन रही है? हाँ ठीक है। कोयटा होटल से अच्छी कोई चाय नहीं है। हाँ ये देखिए, घर की चाय जितनी भी पी लो लेकिन यहाँ की चाय अलग ही होती है, अलग ही क्वालिटी, अलग ही चीज। तैयार हो रही है माशाल्लाह बहुत अच्छे है, माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे है। हाँ कर देंगे इसको, ये स्टाइल चेक करें बदन का, ये वाह वही वाह। शाला
अभी यहाँ नाश्ता करके देखते हैं अभी कैसा है उनका नाश्ता। और एक वो पराठा दे देना। आपने नाश्ता कर लिया? नहीं नहीं अभी बस खा के हम बताएंगे कि वाह वही वाह जबरदस्त। भाई भी चल के नाश्ता करते हैं खा के चेक करते हैं इनका बताएंगे फिर आपको कैसा लगा हमें नाश्ता यहाँ का आलमगीर का। सुबह सुबह मज़ा आ रहा है वैसे वीडियो बनाने का। तो भाई शिद्दत से इंतज़ार हो रहा है कि हमारे भी अंडा पराठा आ जाए खा के फिर चेक करेंगे। तारीफ़ बहुत सुनी थी यहाँ की ना आलमगीर के लच्छेदार पराठों की। हमने सोचा आज नाश्ते का प्रोग्राम यहाँ बनाए तो अभी वेटिंग पे हैं। ऑर्डर तो कर दिया है देखें बहुत जल्द आ जाएगा। तो भाई हमारा अंडा पराठा आ गया है। नमक डालने इस पर थोड़ा ज़्यादा है नमक और काली मिर्च। ओहो अब आएगा मज़ा। इसकी खास बात ये होती है सीधा कभी भी नहीं तोड़ सकता कोई लच्छेदार पराठा। ये गरम गरम यहीं खाने का मज़ा है। आपको भी कभी खाना हो तो यहीं आके खाइएगा ज़बरदस्त बहुत क्रिस्पी है पराठा बहुत क्रिस्पी है। हल्की सी मिठास भी है मेरे ख्याल में ये शायद दूध वगैरह कुछ डालते हैं इसमें जब आटा इसके जब पेड़े बन रहे होते हैं ये आटा गूंथते वक्त बहुत मज़ेदार है। अब अंदाज़ होगा यहाँ लोग क्यों आते हैं। तो भाई चाय का भी बोल दिया ये चाय के बगैर तो अधूरा है ना नाश्ता। मज़ा आ गया सुबह सुबह आलमगीर के पराठे। मेरी रिहाई शासन में करीब है तो सुबह सुबह मैं पहुँच गया यहाँ से जल्दी। कुछ बस तो भाई चाय भी आ गई हमारी। वाह चाय देखे बस बात ही अलग है। सुबह सुबह का टाइम यार ज़बरदस्त लगता है। ये इस तरह बादरबाद चुरंगी है। भाई चाय भी पी के देखें वाह भाई वाह चाय भी ज़बरदस्त है। कोयटा होटल जैसी चाय तो कहीं हो ही नहीं सकती। घर का नाश्ता तो हम लोग करते ही रहते हैं हफ्ते में एक दफ़ा बाहर का नाश्ता भी करना चाहिए माहौल ही अलग होता सुबह का। वही नाश्ता हमने कर लिया चल के पैसे दें फिर चलते हैं घर और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में कल कराची किसी और जगह पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा वीडियो को लाइक कर दिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा। चल के पैसे देते हैं चले भाई खान साहब अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छा था पराठा अंडा पराठा सब अच्छा था। के जगह भी है 24 घंटे से अच्छा जी चल सैयद इमरान है और इसका नाम है उमर का। ठीक है भाई उमर भाई अल्लाह हाफिज भाई।